इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल को हम वी से रिप्रेजेंट कर, लाउड बोला था। यहां पर ये चार्ज क्यू है, इस चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अगर हम चले जाएं, वहां पर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। इस जगह पर अगर हम एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं क्यू जीरो को, तो टेस्ट चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। टेस्ट चार्ज को अगर हम मूव करेंगे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर तो उसका वर्क डन जीरो हो जाएगा। अब मैं अगर इस टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करवाता हूं, तो मान लीजिए मैं इसको इनफाइनाइट की पोजीशन से टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आता हूं, तो जब मैं इसको इन्फिनिटी से फील्ड में लेके आऊंगा तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स आउटवर्ड लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन है। और अगर ये फोर्स बाहर लग रहा है तो मेरे को इसके ऊपर जितना इलेक्ट्रिक फोर्स है सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैं इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं। जब मैं इस पे दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट करता हूं तो इस पर नेट फोर्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा, और नेट फोर्स जीरो होने पर इसका एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये अनएक्सेलरेटेड मोशन से इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक मूव करेगा। तो हम इसको अनएक्सेलरेटेड मोशन से इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लेके आते हैं। अब हम जब इसको इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लाते हैं, देन वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स जो है दैट इज नोन एज डब्ल्यू इन्फिनिटी टू पी। W infinity to P representing the work done for moving the charge from infinity to point P. तो जो work done है, अगर हम इसमें इस Q0 charge को divide करते हैं तो हमारे पास में एक नई quantity निकल के आती है, that is called as potential. तो वो P point के potential की equal हो जाएगा। अब work scalar है और charge scalar है, तो जो potential होता है वो भी एक scalar फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। अगर आपका वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है तो वोल्टेज जो होगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर वर्क डन नेगेटिव है तो वोल्टेज जो होगा वो भी नेगेटिव हो जाएगा। ये एक ऐसा स्केलर है जो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। जनरली हम जितने भी स्केलर देखते हैं जैसे मास है या टाइम है या करंट है, वो पॉजिटिव ही होते हैं, उनको नेगेटिव नहीं मानते। लेकिन वोल्टेज एक ऐसा स्केलर है जो कि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब वोल्टेज को डिफाइन कैसे करते हैं? हम ये मानते हैं लेट Q0 इज इक्वल्स टू 1, देन W इन्फिनिटी टू P बिकम्स इक्वल्स टू Vp। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन हो जाती है, इफ अ यूनिट चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक है ना। अब इसकी यूनिट कैसे बनेगी? वर्क डन की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो जूल अपॉन कूलम जो होगा वो वोल्ट की इक्वल। अगर आपसे ये पूछा जाता है 1 वोल्ट को डिफाइन कीजिए, तो आप 1 जूल अपॉन 1 कूलम लिखोगे। तो डेफिनेशन ये बनेगी, इफ 1 कूलम चार्ज इज डिस्प्लेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन साइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज इज 1 जूल, then the voltage at that point is equals to 1 volt, ठीक है ना। अब देखिए मैं यहां पर एक दूसरा डायग्राम बनाता हूं। ये जो चार्ज है हमारा सोर्स चार्ज है Q, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इन्फाइनाइट का पॉइंट है। मैं 2 पॉइंट लेता हूं यहां पर, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। अगर मैं इन्फिनिटी से Q0 चार्ज को लेके आता हूं तो पॉइंट पी जो है वो उससे नजदीक रहेगा, और इसका जो वर्क होगा वो वर्क कम होगा क्यू के वर्क के रेस्पेक्ट में। तो क्यू का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो क्यू का वर्क डन ज्यादा होगा। अब वोल्टेज होता है डब्ल्यू बाई क्यू जीरो, तो जहां पर वर्क डन कम है वहां का वोल्टेज भी कम आएगा, क्योंकि वर्क डन और वोल्टेज दोनों प्रोपोर्शनल है। तो पॉइंट पी जो है इट इज कॉल्ड एज लो पोटेंशियल पॉइंट, और पॉइंट Q जो है इट इज कॉल्ड हाई पोटेंशियल पॉइंट, ठीक है ना। तो हमेशा चार्ज के पास में, पॉजिटिव चार्ज के पास में हाई पोटेंशियल होता है, और पॉजिटिव चार्ज से दूर हम चले जाते हैं तो पोटेंशियल लो होता जाता है, इन्फिनिटी पे जाने पे वोल्टेज जीरो हो जाता है। अब आप एक चीज और समझिए, ये पॉजिटिव चार्ज है Q,
यहां पर इसका हाई पोटेंशियल पॉइंट है और यहां पर लो पोटेंशियल पॉइंट है। अगर हम हाई पोटेंशियल पॉइंट पर एक पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज इस क्यू से रिपेल होगा, ये क्यू जीरो, और ऑटोमेटिकली इट विल मूव टू द लो पोटेंशियल पॉइंट। तो यहां पर एक कंसेप्ट डेवलप होता है कि पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल पॉइंट टू लो पोटेंशियल पॉइंट। और अगर हम इस क्यू चार्ज के पास में एक नेगेटिव चार्ज को रखते हैं तो नेगेटिव चार्ज जो है वो लो पोटेंशियल पॉइंट से हाई पोटेंशियल पॉइंट की तरफ मूव करेगा, क्योंकि नेगेटिव को प्लस क्यू जो है वो अट्रैक्ट करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट बन गया कि नेगेटिव चार्ज जो होता है इट मूव्स फ्रॉम लो पोटेंशियल पॉइंट टू हाई पोटेंशियल पॉइंट। और अगर दो पॉइंट हैं जिनका पोटेंशियल सेम है, अगर ये पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू है, इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो कभी भी चार्ज इन दो पॉइंट के बीच में मूव नहीं करेगा। चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल या लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल चलता है। जब दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल सेम आ जाता है तो चार्ज का फ्लो बंद हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि ये एक वायर है, इसका वोल्टेज वीपी है और इसका वोल्टेज वीक्यू है, और मैं आपको ये कंडीशन देता हूं वीपी इज मोर देन वीक्यू, तो आप ये एज्यूम करेंगे करंट जो है फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू जाएगा। अगर मैं आपको कंडीशन देता हूं वीक्यू इज मोर देन वीपी, तो आप ये एज्यूम करेंगे कि जो करंट है वो फ्रॉम पॉइंट क्यू टू पॉइंट पी की तरफ जाएगी। और अगर मैं आपको तीसरी कंडीशन दे देता हूं क्यू पॉइंट एंड पी पॉइंट का वोल्टेज इक्वल है, तो इस रजिस्टर के अंदर करंट का फ्लो नहीं होगा। ये आपको पोटेंशियल के बारे में याद रखना है। अब जब आप ये पोटेंशियल पढ़ चुके हैं तो इसके बाद में आप ये ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें वर्क डन जो होगा वो क्यू इंटू वी होता है। ये फॉर्मूला यहां से आया हुआ है, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू इंटू वी। ये हमारे इस चैप्टर में सेकेंड चैप्टर में वर्क डन का फॉर्मूला है। अब देखिए हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इस क्यू चार्ज के पास में ये हाई पोटेंशियल पॉइंट है और ये पॉइंट जो है वो लो पोटेंशियल पॉइंट है। सपोज दैट ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है, क्यू पॉइंट का वोल्टेज वी क्यू है और पी पॉइंट का वोल्टेज वी पी है। तो अगर मैं एक टेस्ट चार्ज क्यू जीरो को पॉइंट पी से पॉइंट क्यू की तरफ मूव करवाता हूं तो मुझे जो वर्क करना पड़ेगा उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा डब्ल्यू पी क्यू। डब्ल्यू पी क्यू का मतलब है वर्क डन फॉर मूविंग द चार्ज क्यू जीरो फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू, देन इट विल बी इक्वल्स टू वी क्यू माइनस वी पी, बिकॉज क्यू जो है वो हाई पोटेंशियल पॉइंट है और वीपी जो है लो पोटेंशियल पॉइंट है, और आपको इसमें डब्ल्यू के नीचे क्यू जीरो चार्ज जिसको आप मूव करवा रहे हो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो क्वांटिटी आई है, ये क्वांटिटी जो आई है ये वोल्टेज का डिफरेंस है। तो अभी तक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब हम ये पढ़ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में ये ध्यान रखना है आपको कि जो चार्ज का मोशन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड होगा। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना है तो आप क्यू जीरो को वन मानेंगे, तो वर्क डन जो होगा डब्ल्यू पी क्यू वो हो जाएगा वी क्यू माइनस वी पी। तो डेफिनेशन बनेगी इफ अ यूनिट चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड देन वर्क डन इन मूविंग द चार्ज इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट। ये दोनों स्केलर है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी स्केलर हो गया, इसकी भी यूनिट जूल अपॉन कूलम वोल्ट हो जाएगी। जूल अपॉन कूलम जो है वो वोल्ट हो जाएगा। अगर आपको 1 वोल्ट की डेफिनेशन देनी है देन आप 1 जूल अपॉन 1 कूलम लोगे। आप ये डिफाइन करोगे इसको कि इफ 1 कूलम चार्ज इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द मूविंग द चार्ज इज 1 जूल देन द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट।